20 अगस्त यानी बीते दिन रविवार को देश की राजधानी दिल्ली स्थित रोहिणी सेक्टर 24 के रॉयल गार्डन में जाटों के समूह ने मिलकर जाट सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें महाबली सतपाल पहलवान बतौर अतिथि शामिल हुए थे। मशहूर रेसलर कोच सतपाल सिंह ने ये कहा कि इस सम्मेलन का मकसद युवाओं के मन में देश के प्रति प्रेरणा और सद्भावना जगाना है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन है और मैं तो ये कहता हूँ कि जो युवा बच्चे हैं उनको इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जो युवा हैं उनको उसकी ज़रूरत है आज, और वही हमारे देश के सुरक्षा उनके हाथ में है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है ये प्रेरणा का है, तो सद्भावना का है, आपस में जोड़ने का है। तो एक बहुत खुशी है मुझे यहाँ के, मैं आज यहाँ एक इतने अच्छे कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। और युवाओं को यही कहूँगा कि वो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने जो देश को दिया है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके अलावा इस समारोह में देश की सबसे उम्र दराज रनर भगवानी देवी डागर और किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। देखो, समाज की मीटिंग में आके अच्छा लगता है, समाज के लोग मिलते हैं और समाजों की मीटिंग होती रहनी चाहिए, उससे आपस में कंपटीशन बढ़ता है और लोग एजुकेशन की तरफ जाते हैं, नशा प्रवृत्ति से बगल हटते हैं। और पहले से ये परंपराएं चलती आई हुई है और अपने लोग यहाँ पे मिले तो अच्छा मिलता है। और जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो एजुकेशन में हो, खेल में हो, किसी भी चीज में, उनको सम्मानित करते हैं तो वे आगे बढ़ते हैं। पालम 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी इस सम्मेलन में मौजूद थे। देखिए, एक सम्मेलन है जाट महासम्मेलन, और कहीं ना कहीं समाज को एकजुट करने की कोशिश है। तो समाज के प्रबुद्ध जन है और आम नागरिक, उन सबको इकट्ठा कर एक संदेश देने की बात है कि हमारा इतिहास है पुराना, और इतिहास में हमने मुगलों को भी यहाँ से भगाया, अंग्रेजों को भी भगाया, और आज भी पूरा समाज एकजुट है और समाज को आगे ले जाने के लिए क्या रणनीति, क्या भूमिका बनाने, उसको लेकर या चर्चा करने के लिए। वहीं इस सम्मान समारोह में काफी लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। जान तेरी कुर्बानी दा।